बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगेबाने पाकिस्तान और मैं हूं मुनीर शाह। आपको ये सोशल मीडिया से खबरें सुनाई के पेश कर रहे हैं, उसके पेपर अपने कमेंट्स भी देते हैं। जो हमारा बिहाइंड दी वॉल टेम्प्रेरी सस्पेंड हुआ हुआ अल्लाह चौधरी नवीद मुख्तार दुनिया टीवी का, वो इस वक्त करता धरता है लेकिन किताबों में नहीं है। जो हमारे आईएसआई चीफ साहब का आईएसआई चीफ है मियां अमर, तो ये स्टूडेंट लीडर था, इसको क्या मतलब बताएं, कुछ भी नहीं। मैं उसके बारे में क्या बताऊं, बस आप ये देख लें कि पहली दफ़ा गंदी फिल्म मैंने उसके घर देखी थी। ये जमात इस्लामी के था लीडर है ये, तभी तोड़ के तो इधर आ गया। लेकिन मेन जो पहले मालिक था चौधरी अरशद गाजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वाला, गाजी मोटरसाइकिल भी उनकी है। तो अभी ये नवीद मुख्तार ने जो कमाया उधर से वो डाल दिया, उसने हमारा चैनल ही सस्पेंड कर दिया। चलो देखते हैं, अभी ये बात करते हैं। और इनको डंडे मार के भगा दिया जाता है। काफी यहाँ पे काफी औरतों ने मुझे अपनी चोट भी दिखाई है कि हमारे मतलब आप देख सकते हैं, ये आप ब्लड देख सकते हैं कि लोगों को ढेरों ने इनको मारा है। आप इधर इनकी चोट वगैरह देख सकते हैं। ये दोबारा आपको दिखाते हैं जी, हम जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं यहाँ पर आपने देखा होगा कि ज्यादातर हमें मर्द हजरात नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ औरतें थी तो मैंने सोचा इनसे बातचीत की जाए। ये सराइकी में बात करती है लेकिन इनकी समझ आ जाएगी। इनका ये कहना है कि यहाँ पर बटेरा सिस्टम है और बटेरे सिस्टम में जितने भी एनजीओ वगैरह आते हैं वो बटेरे लोगों को दे जाते हैं राशन वगैरह, लेकिन वो इन तक नहीं पहुँच पाता। वो इसलिए नहीं पहुँच पाता कि उनके जो इर्द गिर्द लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी जीजी कर रहे होते हैं, सिर्फ वो उनको राशन भेजते हैं और इनको डंडे मार के भगा दिया जाता है। काफी ये मॉडर्न बच्चियाँ पीटीआई की हैं, कुछ ना कुछ तो काम कर रही हैं, बेशक दिखावा भी सही, कुछ ना कुछ तो काम कर रही हैं। एक और ये सुने जी, पेट की आज भाई साहब डिस्प्रिन की गोली जो सरदर्द की होती है ना, उससे होगा। सिर्फ एक को ही मिलेगी तो आसवा भुट्टो बिल्कुल वो भी सही हो जाएगा और ये मरियम भी सही हो जाएगी, सिर्फ एक को दे दे दे। अच्छा जी, ये एक और दिखाते हैं आपको। सारी रात मैं इसके ऊपर में लगा रहा हूँ, सारी रात, एक मैं कल सारा दिन, मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, कोई बताने की बात नहीं कि मैं वो आपदा इलाके जहाँ पर तबाही मची थी क्योंकि मैं सारा दिन वहां था। और रात को मुझे फिक्र ये थी कि 15 दिन बाद कीमत हमने बतानी है तेल की और पेट्रोल की क्या होगी। तो मैं लगा हुआ था 3-4 दिन से कल रात को बैठ के, यानी जो इंसानी हद तक था एक शफाफ तरीके से वो हमने पर उसका हिसाब किया, 2 रुपए 7 पैसे और 2 रुपए 99 पैसे जो कुमारों का पुत्र है ना कमर जीवित बाजवा गखड़ मंडी वाला, उसके नामा माल में कुछ और या ना हो, मैं कोई वलीला नहीं लेकिन दूर दूर अंदेश हूँ, उसको ये साहब बहुत कड़ा पड़ेगा। पुलिस रात पे से जब गुजरेगा तो बहुत कड़ा पड़ेगा उसके ऊपर, क्या बनेगा इसका। बस हो सकता मैं उससे ज़्यादा गुनाहगार हूँ लेकिन उसके लिए जो कोई सारी पूरा एक पूरा ऑक्टोपस नहीं होता कितने बड़े हाथों वाला, उस तरह सारी वो 12 जज और वो जो चीफ जस्टिस सारे सब ने मिल के जो डेफिनेट, जब सबको पैसे मिले तो उनको भी तो मिले हैं ना,
इनको भी तो मिले। अब ये ना नहीं कर सकते, लेकिन कोई कभी ना कभी आएगा इनके, इनसे कोई हिसाब लेने वाला। पाकिस्तान जिंदाबाद।